हाय एवरीवन, दिस इज़ मिथुन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ वाटर कलर पोर्ट्रेट के ऊपर। और वाटर कलर पोर्ट्रेट के ऊपर ही मैं आपको ये 5 टिप्स दूंगा, जो 5 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो बढ़िया तरीके से आप वाटर कलर पोर्ट्रेट बना सकते हैं और फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। ये 5 टिप्स मैंने भी फॉलो किया है और आज भी फॉलो करता हूँ। एंड इस वीडियो का लास्ट पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बोनस पार्ट है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसा एक सीक्रेट दूंगा जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट फॉलो करते हैं लेकिन कोई भी आज तक यूट्यूब में बताया नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो वाला टिप्स और वो वाला सीक्रेट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कशन के साथ साथ मैं जो ड्राइंग बनाने वाला हूँ वो है नूरा फतेही मैम का एक पोर्ट्रेट, और यह है वो रेफरेंस पिक्चर। आई होप आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। इसका जो स्किन टोन है, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं यही ड्रॉ करूँगा। जो पेपर मैं आज यूज़ करूँगा वो होगा ब्रास्ट्रो का 300 GSM का जो है, ये वाला मैं यूज़ करूँगा 300 GSM A4 साइज़। और ये 300 GSM का पेपर 25% का कॉटन होने के बावजूद भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने मिलिंद मल्लिक सर का जो पोर्ट्रेट बनाया था वो भी इसी पेपर में बनाया था। बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और अच्छी तरह से ड्राई भी होता है, और जितना भी आप वेट करें पेपर को वो झेल लेता है पेपर। क्यों, मैं ये वाला ब्रशेस यूज़ करने वाला हूँ। ये जो ब्रश है, मैं ज़्यादातर पोर्ट्रेट इसी से बनाता हूँ। ये ब्रश्ट्रो का ब्रशेस है, 4 जो मैंने अमेज़न से ख़रीदा था, और ज़्यादातर मैं डिटेलिंग इससे करता हूँ। आईज़ वगैरह जो भी आईज़ है, आई शेडो है, और जो आईब्राउज है वो इससे मैं करता हूँ, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया ब्रश है, और ये वाला ब्रश है जो बहुत पुराना है, लेकिन इससे कलर का जो लेयर है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, क्योंकि इसका जो ब्रिसल है बहुत सॉफ्ट है। ज़्यादातर वाटर कलर के लिए मैं कैमल का ही यूज़ करता हूँ। सो ये कलर ही मैं यूज़ करके नूरा फतेही मैम का पोर्ट्रेट बनाऊँगा। तो पहले मैंने इसका आउटलाइन बना लिया था, तो अभी मैं क्या करूँगा कि जितना भी एक्स्ट्रा लाइन है और डार्क एरियाज हैं उन सबको मैं इरेजर से इरेज कर दूँगा, क्योंकि अगर इरेजर से आप इरेज नहीं करते हैं तो ये जो लाइन है वो लाइन दिखाई देगा, क्यों वाटर कलर तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसके ऊपर से ये कलर अगर पेंसिल का जो लाइंस है और जो भी मैंने शेड एरिया दिखाने की कोशिश की अगर वो दिखाई देता है तो ख़राब लगेगा, ठीक है। तो पहले इसको धीरे धीरे से आपको जितना भी हो सके इरेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्लीन वाटर का यूज़ करूँगा और उसके बाद लेयर बाय लेयर कलर आएगा। स्किन टोन बनाने के लिए हम जो कलर यूज़ करेंगे वो होगा क्रिम्सन लेक, वर्मिलियन ह्यू, गोम्बुज ह्यू, लेमन येलो, येलो ओकर, बर्न साइना, एंड आइस के लिए वायलेट कलर। सो गाइस, अभी तक जो भी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से वाटर कलर सीखना चाहते हैं और वाटर कलर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो वीडियो के पहले ही मैंने जो 5 टिप्स के बारे में डिस्कस किया था उनमें से फर्स्ट जो टिप्स है वो है ऑलवेज ड्रॉ विथ लाइट पेंसिल। अगर आप बढ़िया तरीके से वाटर कलर ड्रॉ करना चाहते हैं तो लाइट पेंसिल से आपको आउटलाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। टिप्स नंबर 2 है ब्रश सिलेक्शन। अगर आप अच्छी तरह से वाटर कलर ड्रॉ करना चाहते हैं और बढ़िया तरीके से वाटर कलर बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छा ब्रश भी चाहिए, ठीक है। ख़राब ब्रश या पुराना ब्रश या दूसरी मीडिया का जो ब्रशेस मिलते हैं वो ब्रश से आप अच्छा वाटर कलर नहीं बना सकते हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारा ब्रशेस मिलता है, अगर आपके लोकल में ब्रशेस नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सो सेकंड पार्ट इज़ ब्रश सिलेक्शन।
स्टेप नंबर थ्री है लेयरिंग प्रोसेस। लेयरिंग प्रोसेस क्या होता है कि पहले आपको लाइट कलर यूज़ करना है और उसके बाद शेड कलर यूज़ करेंगे, यानी डार्क कलर। अगर आप पहले डार्क कलर यूज़ करते हैं तो पहले ही आपका जो पेंटिंग है या ड्राइंग है वो ख़राब हो जाएगा। ओके, तो वाटर कलर में ऑलवेज आपको फॉलो करना पड़ेगा लेयरिंग प्रोसेस। स्टेप नंबर फोर है गिव टाइम टू ड्राई। अगर आप पेपर को ड्राई होने के लिए टाइम नहीं देते हैं और ड्राई होने से पहले ही आप कलर का लेयर देते हैं तो क्या होगा, पेपर पहले ही ख़राब हो जाएगा। सो ऑलवेज गिव टाइम टू ड्राई। ओके, एंड स्टेप नंबर फाइव है यूज़ लाइट एंड ट्रांसपेरेंट कलर लेयर। इसका मतलब है अगर आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा कलर लगा देते हैं तो क्या होता है कि लेयरिंग जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस से आपको जाना पड़ता है, वो प्रोसेस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सो ऑलवेज यूज़ लाइट एंड ट्रांसपेरेंट कलर लेयर। ओके, सो गाइज, मैं आशा करता हूँ आप सबको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। और अभी मैं डिस्कस करूँगा बोनस टिप्स के बारे में। वीडियो के शुरू में आप सबको मैंने बोला था कि एक बोनस टिप्स दूंगा जो बड़े बड़े आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, और वो बोनस टिप्स है ऑलवेज यूज़ सेपरेट वाटर। क्योंकि ब्रश धोने के लिए हम जो वाटर यूज़ करते हैं, सेम वाटर से अगर आप लेयरिंग करेंगे या कलर मिक्सिंग करेंगे तो ड्राइंग ख़राब बनेगा। ओके, फेडी ड्राइंग हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको ज़रूरत है सेपरेट वाटर यूज़ करने के लिए। टू बकेट रखिए, या आप ग्लासेस में या मग में, जो जैसे भी आप वाटर यूज़ करते हैं, टू सेपरेट वाटर यूज़ कीजिए, एक ब्रश धोने के लिए और दूसरा होगा आप कलर मिक्सिंग के लिए। ओके, सो माय नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून, एंड टिल देन हैव अ गुड डे।